नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया नॉलेज शो में। दोस्तों आज दो न्यूज़ अपडेट लेकर आया हो आप सभी के लिए। दोस्तों पहली न्यूज़ अपडेट है कि इंडिया खुद का S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने की पूरी तैयारी कर चुका है। दोस्तों सेकंड अपडेट है दोस्तों चाइना की चालाकी। दोस्तों चाइना लद्दाख के करीब एक ऐसे टनल बना रहा है जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ख़तरा पैदा कर सकता है। तो दोस्तों आइए एक एक करके सभी टॉपिक को जान लेते हैं। दोस्तों जो इंडिया का खुद का S-400 मिसाइल सिस्टम होगा, दोस्तों इंडिया जो खुद का S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने जा रहा है, दोस्तों उसका नाम है XRSAM, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दोस्तों इसको हैदराबाद DRDO की लेबोरेटरी में बनाया जाएगा। इंडिया ने इसे पहली बार लोगों के सामने रखा है। दोस्तों इसकी जो रेंज रहेगी तकरीबन 350 एरिया को एक कवर करेगा, डिफेंस करेगा, एयर डिफेंस देगा। जैसा कि आपको पता है S-400 भी तकरीबन मैक्स टू मैक्स 400 किलोमीटर की रेंज को एयर डिफेंस करता है। लेकिन दोस्तों मैं ये आपको बता दूँ कि S-400 और इंडियन के XRSAM में डिफरेंस क्या है। दोस्तों इंडिया का जो ये टेक्नोलॉजी है ये खुद की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी है, इंडिया की मेड इन टेक्नोलॉजी है। ये बिना किसी से लिए खुद की टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, तो इंडिया इसे आने वाले सालों में ये बाहर भी एक्सपोर्ट कर पाएगा। हो सकता है ये S-400 को टक्कर भी दे सके। दोस्तों इसीलिए इंडिया ने सिर्फ 4 ही S-400 मिसाइल का ऑर्डर दिया था रसिया को, जो अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया को मिल जाएगी। दोस्तों सूत्रों ने बताया है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के करीब जो एक एरिया है उसको बोलते हैं Finger-8 Mountain Spurs के करीब उन्होंने टनल बनाना शुरू कर दिया है और इंडिया की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक है और सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है। चाइना चाह रहा है कि इंडिया के खिलाफ कुछ ऐसा कदम उठाया जाए ताकि लोगों का ध्यान वापस फिर कश्मीर पे आ जाए, क्योंकि दोस्तों ये जो सुरंग बना रहा है ये लद्दाख के करीब बना रहा है और आपको पता है लद्दाख और कश्मीर दोनों का मैटर आप सभी जानते हो अच्छे तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है ये चाइना और पाकिस्तान की मिलीभगत है कि इंडिया को इंटरनेशनली बदनाम किया जाए और कश्मीर का मुद्दा उछाला जाए ताकि इंडिया कुछ प्रेशर में आए, इंडिया हमारे दबाव में आए। जैसा कि आपको पता है इसके पहले भी Doklam-1 हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये Doklam-2 करने की चाइना की चालाकी है। पहले यहाँ पाकिस्तान की आर्मी आती थी, तंबू लगाती थी, इंडियन आर्मी विरोध करती थी, चले जाते थे, लेकिन इस बार तो वहाँ पे आके अड़ गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे और ऊपर से सुरंग बनाना भी शुरू कर दिया है। इंडिया को इस चैलेंज को काफ़ी हार्ड तरीके से, काफ़ी स्ट्रांगली इसे टैकल करना चाहिए, अदरवाइज इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। चाइना पे हम कभी भरोसा नहीं करते थे और नहीं करना ही चाहिए हमें, क्योंकि चाइना का नाम ही है चला खोपड़ी। हमें खोपड़ी को खोलना चाहिए, न कि उस पर ढकना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी का थैंक यू वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।